तो पहली दिक्कत तो ये आती है कि बच्चे पढ़ते हैं और रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं, और जब भूलने लगते हैं तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं, और रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, आज किया फिर एक महीने बाद किया अगला रिवीजन उसका। हे चैम्स, वेलकम बैक टू अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, जहां पे आज हम लोग बात करेंगे कि नीट 2026 में अगर आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है तो नीट 25 के बेसिस पे जैसा पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और ये समझने से पहले ये समझते हैं कि क्या भैया ये पॉसिबल भी है, क्योंकि बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि अगर नीट 25 जैसा पेपर आता है तो क्या भैया 360 आउट ऑफ 360 लाया जा सकता है, और अगर नहीं लाया जा सकता है तो क्या उसकी नीड है भी, या बस अगर हम लोग कम भी स्कोर करते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा और हम लोग एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो ये समझने के लिए सबसे पहले नीट 25 का एक डेटा है जो कि मैंने समझाया, मैंने ये कैसे निकाला है इस वीडियो में समझाया, वहां से अगर आपको देखना है कि मैंने ये डेटा कैसे निकाला तो वहां से चेक कर सकते हो। अब इस डेटा को अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको दिखता है कि 316 से ऊपर मार्क्स ऑलमोस्ट 30,000 बच्चे लेकर आए थे नीट 25 के अंदर। भले ही नीट 25 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट बायोलॉजी पेपर था नीट की हिस्ट्री में, स्टिल इतने बच्चे 316 से ऊपर स्कोर कर रहे थे। 331 से ऊपर 8,500 बच्चों ने स्कोर किया था, 36 से ऊपर 3,500 बच्चों ने स्कोर किया था, और 342 से ऊपर 266 बच्चों ने स्कोर किया था। और एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताता हूं कि नीट 25 में कितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आए थे, कितना मार्क्स एनसीईआरटी पढ़ के लाया जा सकता था, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो एक्जैक्ट एनसीईआरटी से सॉल्व किया जा सकता था वो था 330 से 336 मार्क्स ही। और इस डेटा को अगर आप इस टेबल पे अप्लाई करते हो तो आपको समझ आएगा कि जो अचीवेबल मैक्सिमम अचीवेबल स्कोर था वो स्कोर करने वाले बच्चे ऑलमोस्ट 3,500 बच्चे थे, मतलब 336 मैक्सिमम लाया जा सकता था एनसीईआरटी से, और उतना ही बच्चे लेके भी आए थे, और ऐसे बच्चे 3,500 थे। तो मतलब कि अगर आपको टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, एम्स में जाना है, तो आपको एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं वो आपको सारे करने होंगे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आपको टॉप 500 में जाना है तो फिर आपको जो एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन आए थे, थोड़े से एनसीईआरटी से बाहर थे, ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपको सॉल्व करना था या फिर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व करना था, वैसे क्वेश्चन भी बच्चों ने सॉल्व किया था। और अगर आपको टॉप 500 में जाना है तो उस केस में आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा जो कि आपको यहां पे दिख रहा है कि 266 बच्चों ने 336 से ऊपर भी स्कोर किया था, क्योंकि उन लोगों ने ये जो क्वेश्चन आए थे, 2N वाला जो क्वेश्चन था PCR का, टैपेटम वाला क्वेश्चन था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन था, सीडोसिलोम वाला क्वेश्चन था, फैटनल ट्विन वाला, फिग वाला क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो ये जो मैंने चीज आपको बताई इससे आप ये समझते हो कि इवन टॉपर जो था वो भी नीट 25 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर नहीं कर पाया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं गया या फिर एम्स में नहीं पहुंचा, वो पहुंचा है। तो मतलब ये नीड नहीं है कि आपको हमेशा 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है, बट ये नीड जरूर है कि जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से सॉल्व किए जा सकते हैं वो आपको सॉल्व करना ही होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए या फिर आप अपने टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिलेक्शन के लिए आप मैक्सिमम अपने जितने भी अचीवेबल स्कोर है उससे 15 मार्क्स नीचे रह सकते हो, उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, मतलब 315 एनी हाउ आपको इस पेपर में स्कोर करना था। स्टेट टॉप कॉलेज के लिए या फिर एम्स में जाने के लिए आपको जो भी अचीवेबल स्कोर है एनसीईआरटी से, जितने भी क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं वो आपको सारे सॉल्व करने होंगे। अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन उनको आप छोड़ सकते हो लेकिन बाकी आपको सॉल्व करना होगा, तो ये चीज इस साल भी देखने को मिली थी। और टॉप 500 के लिए आपको जितना भी मैक्सिमम अचीवेबल स्कोर है उससे हल्का सा ऊपर जाना होगा, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और अगर इजी पेपर आता है, ये तो टफ पेपर की बात करी, अगर इजी पेपर आता है तो उस केस में आपको 330 प्लस एनी हाउ सिलेक्शन के लिए टारगेट लेकर चलना होगा। तो मतलब आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरे को मैक्सिमम जितना भी एनसीईआरटी से स्कोर किया जा सकता है वो स्कोर करना है, तभी मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा या फिर टॉप कॉलेज या एम्स में पहुंच पाऊंगा। अब ये स्कोर अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको, कि सीक्वेंस में कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, कौन से टीचर को आपको फॉलो करना है बेस्ट रहेगा, एनसीईआरटी में बस एनसीईआरटी हाईलाइट कर ले या फिर नोट्स बनाए, आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन आए थे वैसे क्वेश्चन अगर नीट 26 में आते हैं तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर ले हम लोग, और रिवीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपको 280 290 से 330 प्लस पहुंचाता है, वो आपका रिवीजन ही पहुंचाता है, एनसीईआरटी तो सबने पढ़ ली होती है, तो ये कैसे करना है ये भी हम लोग एंड में समझेंगे। और बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेस आपके पास होनी चाहिए अगर आप 330 प्लस वाले स्कोर के रेंज में जाना चाहते हो। तो सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपके हो गए हैं, जैसे मैंने एक शॉर्ट में बताया था कि कैसे सीआर जैकब डिजीज जो पहले लिखा हुआ था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रायोन में, उसको आप क्रूट्सवेल जैकब डिजीज कर दिया गया, उसका पूरा नाम लिख दिया गया। तो ये सारी चीजें न्यू एनसीईआरटी में, अगर आप उसको नहीं रेफर करोगे तो आप ये चीज मिस कर जाओगे, और क्योंकि रीसेंट चेंजेस है तो उससे क्वेश्चन आने के चांस भी ज्यादा है। इसके साथ साथ बहुत सारे ओल्ड पार्ट्स जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी से तो हटा दिए गए हैं बट आपके सिलेबस में है, तो वो भी आपको फॉलो करना होगा। अभी जो ओल्ड एनसीईआरटी वाला पार्ट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको ये सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी यूज करें, उनके पास ओल्ड एनसीईआरटी उन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया, तो अब वो क्या करें, जो न्यू एनसीईआरटी बस रेफर कर ले, जो चेंजेस में है बस उनको मार्क कर ले, और जो चीजें अब सिलेबस में नहीं है उनको वहां से कट कर ले, ठीक है। ऐसे करके आप अपने ओल्ड एनसीईआरटी को भी यूज कर पाओगे। आपके पास बहुत सारी शीट्स होनी चाहिए, एग्जाम्पल शीट्स हो गया, फिर हो गया आपका डिफरेंस चार्ट्स हो गया, जहां पर भी कंपेयर करके पढ़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एनिमल किंगडम का दिखाया हुआ है, कि मैंने सारे एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल एक दो पेज में लिख दिया था, उसका ट्रिक जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ऐसे शीट्स आपको बना लेनी है जिससे आप फास्ट रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि फास्ट रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आप फिर एक दिन में ज्यादा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाओगे। सेम इस तरीके से फंजाई वाला आपको पता है कि उसमें चार फंजाई हैं, चार क्लासेस हैं फंजाई के, तो उन सबको मैंने एक ही पेज में लिख दिया है, और अब मैं कंपेयर करके पढ़ सकता हूँ कि किस फंजाई में क्या डिफरेंस है, और इससे आप ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। और जब क्वेश्चंस भी अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे ही आता है, जिसमें
चारों फंजाई के स्टेटमेंट्स को मिला देते हैं, फिर आपको देखना पड़ता है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर आपने वैसी तैयारी नहीं करी होगी तो आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें भी आपको प्रिपेयर करनी है अपने नीट 26 के लिए। अब एक बार आप ये चार्ट बना लेते हो तो इनका ये फायदा होता है कि जब आप रिवाइज करते हो तो आपका काफी फास्ट रिवीजन होता है, क्योंकि आपका रिवीजन का टाइम कम हो जाता है, तो आप बहुत सारे चैप्टर्स को साथ में रिवाइज कर पाते हो, और जब आप बहुत सारे चैप्टर्स को साथ में रिवाइज कर पाते हो तो आप अपने सिलेबस को काफी फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर पाते हो। अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं इसको यूज करना, बट उनके पास टाइम की कमी है तो वो खुद बना नहीं पाते। तो ऐसे बच्चे रेंचो के अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, जो कि सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, और ऐसे ही टेबल स्लो चार्ट्स बना के दिए गए हैं उसमें, जो कि आपको फास्ट रिवीजन करने में हेल्प करते हैं। अच्छी बात यह है कि नीट में डायरेक्टली इस फ्लैश कार्ड से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, और इनफैक्ट नीट 25 में भी ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस फ्लैश कार्ड से उठ के आए थे। इसमें जिस भी चैप्टर में जो रिक्वायर्ड है, कहीं टेबल चाहिए, कहीं पे की पॉइंट चाहिए, कहीं पे फ्लो चार्ट चाहिए, तो वहां पे वो चीज दी गई है। फॉर एग्जांपल सेल और बायोमॉलिक्यूल जैसे चैप्टर्स में की पॉइंट्स, टेबल और क्विक नोट्स आपको मिल जाते हैं, जिससे आप फास्ट रिवाइज कर पाओगे। प्लांट फिजियो जो कि आपको काफी कंफ्यूजिंग लगता है, काफी बोरिंग लगता है, और उसको रिवाइज कैसे करें समझ नहीं आता है, तो उसमें आपको बहुत सारे पाथवेज फ्लो चार्ट दे दिया गया, जिसके थ्रू आप फास्टली रिवाइज कर पाओगे ऐसे चैप्टर्स को, जो कि काफी हाई वेटेज रखता है आपके नीट के एग्जाम में। ह्यूमन फिजियो और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसे चैप्टर्स में आपको स्टेजेस डायग्राम्स मिल जाते हैं, हार्मोन ग्लैंड फंक्शन के टेबल्स मिल जाते हैं, जिससे आप फास्ट उन चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओगे। इस पूरे बंडल में आपको बायोलॉजी के फ्लैश कार्ड के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के फ्लैश कार्ड मिल जाते हैं, और साथ ही जो एडिशनल बायोलॉजी और एडिशनल फिजिक्स के सिलेबस हैं उसके लिए भी आपको अलग से बुकलेट्स और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की भी अलग से बुकलेट मिल जाती है। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। दूसरा रिसोर्स जो सबको फॉलो करना है वो है लेक्चर्स, और लेक्चर्स में आपको दो टाइप के लेक्चर्स फॉलो करने हैं। एक डिटेल लेक्चर्स, जहां से आप अपना मेन कंसेप्ट क्लियर करोगे और कौन कौन से चैप्टर्स क्लियर करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, और दूसरा आपको वन शॉट करना है, जहां पे आपको नॉर्मल वन शॉट नहीं करने की, कोई टीचर आके सेम चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा है, बट आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाली जो वन शॉट्स होती है उनको फॉलो करना है, ताकि आपका एनसीईआरटी भी क्लियर हो कि एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहना चाहिए वो आपको समझ में आए। अब इसके बाद आता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब एनसीईआरटी तो आपने पढ़ लिया, बट उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, एआर टाइप क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स जो भी आपको पता है वो आप यूज करो, जो आपको सूट करता है। एक दो एग्जांपल बताता हूं, एनसीईआरटी पंच काफी ज्यादा फेमस है, उसको यूज कर सकते हो, और कोई भी दूसरी सोर्स अगर आप ढूंढो तो आपको मिल जाएगा, और उसको आप फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो। इसके बाद टीचर की बात कर लेते हैं, तो डिटेल लेक्चर आपको किस टीचर से देखना है, तो जियोलॉजी के लिए आप एमडी सर को फॉलो कर सकते हो, या फिर आकांक्षा मैम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बॉटनी के लिए आप तरुण सर को फॉलो करो, बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो चैप्टर्स हार्ड होते हैं ना, लाइक फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, वहां पे मैंने भी फॉलो किया था, जो मेरे को समझ नहीं आता था कि यार मतलब उतना फील नहीं आ रहा है चैप्टर में, तो मैंने तरुण सर को फॉलो किया, वो एकदम लिंक करके पढ़वा देते हैं, तो फिर आपको समझ आ जाता है। तरुण सर करो, और विपिन सर तो ओजी टीचर हैं, उनसे आप सिर्फ बॉटनी नहीं, उनसे आप जियोलॉजी भी पढ़ सकते हो अगर आपको टीचर सूट करते हैं तो। बाकी मैंने अपना ऑलमोस्ट सब कुछ 90% सिलेबस विपिन सर से किया था। अब आगे चलते हैं, हम लोग चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, तो किन चैप्टर्स में आपको वन शॉट से काम चल जाएगा और किस में आपको डिटेल देखना ही देखना है। तो देखो, वन शॉट में एनसीईआरटी लाइन वाले आपको देखनी है, मैंने पहले बताया, विपिन सर के वन शॉट्स अवेलेबल है, पुराने वाले अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, नए वाले भी आप पीडब्ल्यू पे आ गए तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको दोनों थंबनेल्स लगा दूंगा, वहां से आप उसको देख लेना। अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप इन चैप्टर्स के लिए देख सकते हो, 11th के लिए ये सारे चैप्टर जो मैंने लिखे हैं, और 12th के लिए ये सारे चैप्टर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब बाकी जो बचे चैप्टर्स हैं, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं, उसमें आप ट्राई करो कि डेली देखो, क्योंकि वो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, वहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होना काफी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वन शॉट से समझ नहीं आता, तो अगर आप ऐसे में फॉलो करते हो कि जिसकी बायोलॉजी बहुत वीक है, ठीक है, उससे याद नहीं होता, या फिर उसको हर एक लाइन का मतलब जानना है, तो उस केस में आप डिटेल लेक्चर सबके लिए फॉलो करो, और जब डिटेल लेक्चर देख लो तो एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज फॉलो करके अपने एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब मैं आपको मेन सीक्वेंस बताता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर में आपने जो भी स्टार्ट किया है, कि आप डिटेल लेक्चर देखना चाहते हो, या फिर वन शॉट देखना चाहते हो, या फिर जो मैंने ऊपर बताया कि किसमें क्या देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने पहले लेक्चर चूज कर लिया और स्टार्ट किया देखना। फिर उसके बाद जब आप लेक्चर देख रहे होगे, जो भी पहला लेक्चर है आज, ठीक है, तो पहले लेक्चर में जो भी टॉपिक कवर होने वाला है या हो रहा है, उसी टॉपिक की एनसीईआरटी आपने खोली है बगल में, और जब मैम कोई भी मैम या सर जो भी चीज को पढ़ा दें, जो भी टॉपिक को खत्म करते हैं, 10 मिनट करवाए, एक टॉपिक खत्म हुआ, अब आपने वीडियो पॉज करी, आपने खुद उसी टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ा और देखा कि अच्छा अच्छा मैम ने इस लाइन का ये मतलब बताया था, मेरे को लग रहा है ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, एनसीईआरटी मैं साइड में लिख लेता हूं, तो अगर कोई कंसेप्ट है तो आपने कंसेप्ट को साइड में लिख लिया, अगर कोई न्यूमोनिक बताया मैम ने तो आपने न्यूमोनिक को एंड में लिख लिया, और ये सब चीजें आपको पेंसिल से मार्क करनी, क्योंकि आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो सकता है बाद में आपको कुछ नया पता चले, या फिर आपने कुछ गलत समझ लिया था तो चेंज करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको हमेशा पेंसिल से मार्क करना है एनसीईआरटी लाइंस को, और कुछ ऐड भी कर रहे हो तो वो भी न्यूमोनिक्स हो गया, कंसेप्ट हो गया, उसको पेंसिल से ही ऐड करो, ठीक है, अंटिल अनलेस आप बहुत श्योर हो कि एकदम सही लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेली चीजें करनी है, मतलब जो आज पढ़ाया गया उसकी एनसीईआरटी आपको उसी दिन पढ़ लेनी, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा टीचर ने जो ये कराया ये एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ है, तो उसका ये एक्जैक्टली मतलब है, जो कि मुझे डिटेल लेक्चर से समझ में आया। कुछ भी एक्स्ट्रा बताया जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड है, आपको ज्यादा बेटर समझने में हेल्प कर रहा है, तो उसको भी ऐड कर लो, जरूरी नहीं कि सारे एनसीईआरटी के पॉइंट से आपको वहाँ ऐड करनी है। उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है, जो भी उस दिन आपको मिला होगा, तो इससे डीपीपी जो भी आपको मिलता है आपके बैच में उसको सॉल्व किया, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का जो भी सोर्स है उस टॉपिक का जो उस दिन खत्म हुआ है उसी दिन सॉल्व करना है, और उसके बाद जो भी आपके मिस्टेक्स हुए हैं, जो पॉइंट आपको समझ में आया एनसीईआरटी में, जो आपको पहले समझ नहीं आया था, उन पॉइंट को या तो आप मार्क कर लोगे, जो भी आपका गलत हुआ तो उसको आप या तो सर्कल कर लोगे, या फिर अगर वो नया पॉइंट है तो उसको आप साइड में एनसीईआरटी में लिख लोगे, जो साइड में स्पेस होता है। इस तरीके से करते करते जितना टाइम लगता है उसमें आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आपको एनसीईआरटी हाईलाइट वाली सीरीज उठानी है, 2 से 3 घंटे की होती है एक चैप्टर के लिए, वो देखो और उसको देखते हुए अपने एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लो।
कैसे एनसीईआरटी हाईलाइट करना है, इसको अगर रेफरेंस लेना है आपको, तो मेरी एनसीईआरटी टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे एनसीईआरटी हाईलाइट्स मिल जाएंगे और उसी को रेफर कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से एनसीईआरटी को हाईलाइट किया, वो सीखने में मेरे को काफी टाइम लगा, तो उसी तरीके से आपको भी एनसीईआरटी हाईलाइट करना है और चीजों को ऐड करना है। इस तरीके से जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जाना है एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी पीवाईक्यूज आपके पूछे गए उन सबको सॉल्व करना है, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर करना है। तो टाइमर लगा दिया, जितना भी टाइम देना है उतना टाइम लगा दिया, और अब आपको उस टाइम प्रेशर में अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, क्योंकि आपने चैप्टर कर लिया, क्वेश्चंस कर लिया, अब आपको देखना है कि जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस है वो मैं टाइम लिमिट में कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। जब ये कर लूंगा और मेरे को मान लो अब ये हो गया, इसके बाद आप अगले चैप्टर में जा सकते हो। अब क्या करना है कि अब मान लो बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन हो गया आपको रिवाइज करना है, या 1-2 हफ्ते हो गए, अब आपको सेम चैप्टर को रिवाइज करना है, तो तब आप क्या कर सकते हो कि एग्जाम्पलर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्सेज हैं वो आप सॉल्व कर लोगे, और इस तरीके से क्योंकि आपने जो भी सॉल्व किया, जितने भी मिस्टेक्स थे या जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपने एनसीईआरटी मार्क कर लिया, तो ये अब आपका वन शॉट सोर्स बन जाएगा जिससे आप रिवाइज कर सकते हो, और यही मेन गोल होता है प्रिपरेशन का, और ये बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। बट इसके बाद मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जहां पे रिवीजन करना होता है, और क्योंकि बच्चे यहां तक कर लेते हैं तो वो 260-250 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं, बट वो जो थ्रेशोल्ड है 330 क्रॉस करने का, जहां पे आपका सिलेक्शन आपका सिक्योर होता है कि हाँ 330 अगर बायो में आ गया तो मैं बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री से ले आऊंगा, और ये आपको जल्दी लाना होता है, ये नहीं कि मैंने 1.5 घंटे बैठ के 330 लेके आ रहा हूं, ये नहीं करना है आपको, फास्ट 1 घंटे के अंदर 50 मिनट 55 मिनट के अंदर 330 मार्क्स सॉल्व करना है, चाहे अगर टफ पेपर आया है तो। ठीक है, तो ये अचीव करने में प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते ढंग से, उनको सही तरीका नहीं पता, बहुत बच्चे रिवाइज भी करते हैं बट गलत तरीके से करते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो पहली दिक्कत तो ये आती है कि बच्चे पढ़ते हैं और रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं, और जब भूलने लगते हैं तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं, और रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, आज किया फिर 1 महीने बाद किया अगला रिवीजन उसका, फिर उस रिवीजन के अगले 1 महीने बाद फिर से रिवाइज किया, तो मल्टीपल रिवीजन तो कर रहे हैं साल भर में, मान लो 12 बार रिवाइज कर लिया चैप्टर, बट क्योंकि उन्होंने काफी गैप गैप में किया तो उनका यही प्रॉब्लम रहता है कि भैया आप तो कह रहे हो कि टाइम कम होना चाहिए, 15 मिनट में 20 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज होना चाहिए, बट ये तो हो नहीं पा रहा, तो उसका दिक्कत ही आता है क्योंकि वो मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंट रिवीजन मैंने काफी बार बोला है कि 1-3-5-7 रूल आपको अप्लाई करना होता है फ्रीक्वेंट रिवीजन में, और इसको कैसे अप्लाई करना है मैं वही आपको यहां पर समझाने वाला हूं। सबसे पहले जिस दिन आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट डे ही आपका पहला रिवीजन होता है, डे 2 अगर आपका आज चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो कल आपका पहला रिवीजन होगा उसका, और उसमें आपको जितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 घंटा लगे 1 घंटा 20 मिनट लगे डिपेंडिंग ऑन कि चैप्टर कितना बड़ा है वो आप टाइम दो उसको। ठीक है, उसके बाद आपको 2 दिन का गैप देना है। ठीक है, इस दिन के 2 दिन बाद आपको 30 उसका जो सेकंड रिवीजन है वो आपको करना है। ठीक है, सेकंड रिवीजन में फिर से देखो क्योंकि आपने जस्ट पढ़ा है 2 दिन पहले तो आपका टाइम कुछ कम हो जाएगा, अगर आपको 1 घंटा लगा था तो अब आपको सेम चैप्टर रिवाइज करने के लिए 45 मिनट लगेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि अच्छा ये लाइंस मुझे याद है मैं ये देख लेता हूं ये मेरा थोड़ा वीक है। उसके बाद आपको 5वें दिन फिर से जाके अपना 3rd रिवीजन करना है सेम चैप्टर का, और आप देखो कि अब जो टाइम है 45 से आधा घंटा हो गया, क्योंकि आपने जस्ट 2 बार रिवाइज कर चुके हो पहले ही, आपको पता है कि क्या मेरा वीक है तो मैं डायरेक्टली उन चीजों को फटाफट देखूंगा और बाकी चीजों को मैं फास्ट रीड करके निकल जाऊंगा। इसके बाद 7th डे को, मतलब इस रिवीजन के 7th डे बाद आप अपना 4th रिवीजन करोगे, और 4th रिवीजन में आपका ये जो रूल है 1-3-5-7 रूल वाला ये फेज आपका खत्म होगा। उसके बाद आप फिर चैप्टर को 1 महीने बाद भी, या जब आपको मन करे कि 2 हफ्ता हो गया 3 हफ्ता हो गया एक बार देख लेता हूँ, रिवाइज कर पाओगे, और ये इसमें फायदा ये होगा कि अब आपका रिवीजन का टाइम काफी कम हो चुका होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरा क्या वीक है। ठीक है, क्या वीक है, क्या मेरे को ज्यादा फोकस करना है पढ़ते टाइम रिवीजन करते टाइम, और जो टाइम ऑफ रिवीजन है वो कम हो चुका होगा, तो जिस मान लो 1 घंटे में आप पहले टाइम जब आपने स्टार्ट किया था रिवीजन करना तो 1 घंटे में आप एक ही चैप्टर रिवाइज कर पाते थे, बट अब क्योंकि आप उस चैप्टर को 20 मिनट में रिवाइज कर पा रहे हो 25 मिनट में रिवाइज कर पा रहे हो, तो आप सेम 1 घंटे में 3 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। यही फायदा है जो कि आपको 1-3-5 रूल देता है, फ्रीक्वेंट रिवीजन देता है जो कि मल्टीपल रिवीजन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और इस यहीं पे बच्चे लैग करते हैं, और ये समझने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था, और यही रीजन था जो मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, और ये जब तक मैं नहीं समझा तब तक मैं सिलेक्ट नहीं पाया। जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो फ्रीक्वेंट रिवीजन करते ही करते हैं। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि रिवीजन करते समय कैसे करना है भैया, रिवीजन क्या ऐसे पढ़ लेना है बस बुक को, ऐसे नहीं पढ़ना है। देखो अगर आप सिर्फ पढ़ोगे तो फिर आप फ्रीक्वेंट रिवीजन भी कर लो, तब भी आप 280-290 में रह जाओगे, और आप वो जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल स्टेटमेंट जहाँ पे वर्ड्स को घुमा दिया गया होगा वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ऐसा ना हो आपके साथ। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल पहला तो करना है, मतलब जो भी आप पेज पढ़ो ट्राई करना है कि पहले एक एक पेज का गोल हो कि ये जो मैंने एक पेज पढ़ा मैं बुक बंद करूंगा, ये पूरा का पूरा पेज मैं सामने मैं इमेजिन करूंगा कि कोई बैठा है मुझे उसको समझाना है और एकदम इजी लैंग्वेज में समझा पाऊंगा। इससे आपकी 2 चीज टेस्ट होती है, एक कि आपको सारे लाइन सीक्वेंस में याद हुई, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो आपको उस समय देखना पड़ता है कि ये लाइन कहाँ लिखा होता है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा था, यूजुअली था या ऑल था, ऐसी चीजें घुमाते हैं, वर्ड्स घुमाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय एनसीईआरटी नहीं इमेजिन कर पाते हो, मतलब आपको एनसीईआरटी से याद नहीं है, तो पहला तो ये इसको इंश्योर करता है कि आपको अच्छे से एनसीईआरटी याद हो। दूसरा, जब आप ट्राई करते हो किसी को समझाने के लिए तो आप किसी को तभी समझा पाओगे जब आपको वो कंसेप्ट खुद क्लियर हो। ठीक है, अगर आपको खुद क्लियर नहीं होगा तो आप किसी को समझा नहीं पाओगे, तो यही ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ये चीज इंश्योर करता है कि आपने खुद उस चीज को अच्छे से समझा। तो स्टार्टिंग में तो आपको टारगेट ये लेना है कि मैं एक पेज पढ़ूं उसको बंद किया उसको अगले को समझा दिया, उसके बाद दूसरा पेज पढ़ा बंद किया अगले को समझा दिया। उसके बाद जब ये चीज आप अचीव कर पाओगे तो आपको ये टारगेट लेना है कि अब मैं पूरा का पूरा चैप्टर किसी को एक बार में समझा पाऊं पूरे सीक्वेंस में। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें आप स्किप करोगे, वो जो चीज आप स्किप करोगे वो आपके वीक पॉइंट्स होंगे, आप बार बार भूल जाते हो, उसको मार्क कर लेना है। इस तरीके से आप अपने एनसीईआरटी को अपने अकॉर्डिंग तैयार कर पाओ कि अच्छा मेरा क्या वीक है। ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग वीकनेस होता है, किसी को एग्जांपल लेट याद होता है, किसी को कंसेप्ट लेट समझ में आता है, सबका अलग अलग होता है। ये चीज आप तैयार कर पाओगे अगर आप इस तरीके से रिवाइज करते हो। ऑल्सो जब आप रिवाइज करो, मान लो एक ये तरीका हो गया रिवीजन का,
दूसरा तरीका हो गया कि आप हर एक लाइन से ट्राई करके क्वेश्चन फ्रेम बनाओ कि इस लाइन से क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, यहाँ पे एग्जांपल है तो अच्छा एग्जांपल पूछ सकता है, ये एग्जांपल इन दो जगह पे कॉमन है तो अच्छा वहां से भी इस एग्जांपल को यहाँ लिंक कर सकता है। ऐसे आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और ये चीज़ मैंने आपको ह्यूरिस्टिक में काफी बार करके बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो जो भी बच्चे ऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक या इनऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक देखा है उन लोगों ने, उन्हें पता है कि मैं किस तरीके से उन्हें रिवाइज करवाता हूँ, तो सेम तरीका उन्हें बायो में लगाना है। और लास्टली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ कंपैरेटिव स्टडी आपको करना है। जैसे फंजाई वाले मैंने दिखाया कि उसको पता है कि आपको वहाँ से डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंस है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ओजेनेसिस हो गया, वहाँ से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जहाँ पे भी कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है वहाँ पे करो, बहुत फायदा देगा, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भैया आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो इस साल आए थे अगर नीट 26 में भी आता है तो उसको कैसे डील करें, उसके लिए क्या अलग से तैयारी करें। तो सबसे पहले देखो, अलग से कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है जब तक आप 330 वाला लेवल अचीव नहीं कर लेते। उसके बाद अलग से क्या ही तैयारी करोगे, तो अलग से तैयारी करने के लिए जब डिटेल लेक्चर आप देख रहे होते हो तो टीचर हमेशा कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड पॉइंट्स बताते हैं जो कि आपको सुनकर समझाते अच्छा इसका ये मतलब था, एक्चुअली एनसीईआरटी ये कहना चाहती थी। तो उन सारे पॉइंट्स को आप दिमाग में रख सकते हो या फिर कहीं पे लिख के रख सकते हो कि अच्छा ये जो पॉइंट्स है ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट तो नहीं है बट ये रिलेटेड पॉइंट्स है, तो यहाँ से हो सकता है कि कभी ना कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस बार एपिब्लास्ट वाला क्वेश्चन आया था, एपिब्लास्ट डायग्राम में लिखा हुआ है बट एनसीईआरटी ने कहीं समझाया नहीं है, ठीक है, ऑल्दो मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने के लिए उसकी जरूरत नहीं थी बट स्टिल वो वर्ड एनटीए ने यूज किया था। तो मतलब ऐसे रिलेटेड वर्ड्स जो एनसीईआरटी में है बट पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं है तो उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अब या तो टीचर समझा दे आपको या फिर आप उसको सर्च करके खुद निकाल लो, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करनी होगी तो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाओगे। और दूसरा एलिमिनेशन जो है ना आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एलिमिनेशन अगर आप कर पाओगे तो दो ऑप्शन आप किसी भी आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन से एलिमिनेट कर पाओगे और बाकी दो ऑप्शन जो बचे होंगे उसमें आप तुक्का लगा दो, मोस्ट प्रोबेबली आपका सही हो जाएगा। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे टेस्ट दिए हैं तो आपको आता होगा कि कैसे बेस्ट गेस लगाते हैं वैसे क्वेश्चन में। लाइक अगर आप कार्डियक साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि एटल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है या फिर जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड का होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है कि ये आना चाहिए और आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मिलता होगा। तो ये भले एनसीईआरटी में लिखा है तो उसको आउट ऑफ एनसीईआरटी सोच के इग्नोर नहीं कर देना है, इंटरेस्टिंग है, रिलेटेड है तो उसको कहीं ना कहीं लिख लो, आपका कभी ना कभी काम आएगा, ठीक है। तो इससे आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड होती है और आप वैसे क्वेश्चंस में जहाँ कंसेप्चुअल थिंकिंग चाहिए और थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए वहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं। तो एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स जाके नहीं पढ़ना है, रिलेटेड पॉइंट्स अगर हैं तो उसको आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन ये तभी करना है जब आप 330 वाले लेवल पे पहुंच चुके हो। उससे पहले अगर आप इन सब चीज़ों में घुसोगे तो फिर आप जो 330 के लिए जो चीज़ चाहिए वो भी अचीव नहीं कर पाओ। तो ये था आपका नीट 26 स्ट्रैटेजी वीडियो जिसमें बेसिकली मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किया है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि जाके ये कर लो वो कर लो, मैंने आपको एक्जैक्ट वो पॉइंट बताया जो चाहिए। और किसी भी टॉपर से बात कर लोगे वो यही बोलेगा कि आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए, एनसीईआरटी से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ो, और ये जो मैंने फ्रीक्वेंट रिवीजन बोला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिवीजन ही है, बाकी नोट्स बनाना और समझ लेना सब कुछ कर लेते हैं, बायो इंटरेस्टिंग सबको लगती है बट वो रिवीजन वाला पार्ट आके जब स्टार्ट होता है वहाँ पे सब लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना और ऐसी और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगली कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए आएगी जहाँ पे मैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बताऊंगा नीट 26 के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से कमेंट करें और मैं बना नहीं पा रहा था अनफॉर्चुनेटली, तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।